विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की है, क्या वजह रही है मुलाकात में? देखो साढ़े अमृतसर तो एक गगोमाल तो गुरमेज सिंह और अजयपाल सिंह मोदे पिंड अटारी तो जड़े ने वो इंडोनेशिया गए एक एजेंट के झांसी जाके जिन्हें इन्हों तो 32-32 लाख रुपया अमेरिका पहुँचाने का लेना सी पर पहुँचने तो बाद 5-7-10 लाख रुपया इन्हों को मंगा लेंदे ने फिर इन्हों इंडोनेशिया लिजाया गया। इंडोनेशिया के जो ये रहे उत्थे जाके उत्थे कुछ झगड़ा होया इन्हों का आपस च बोल बुलारा होया और उत्थे जो झगड़ा आया फिर उन्होंने सट के जादी लग गई उन्होंने दोवे च गंभीर जख्मी एक की डैथ हो गई एक गंभीर जख्मी हो गया ये दोनों इंडोनेशिया फड़े गए। सो इन्हां वास्ते मैं लगातार विदेश मंत्रालय नाल संपर्क किया है और साडे जिहड़े कैबिनेट वजीर ने जयशंकर जी उन्हां दा तां रिकॉर्ड है वो तो किसी का जवाब नहीं देंदे। सो मैं उन्हां वाली गल ते हुण पार्लीमेंट दे अंदर रखांगा पर उस तों इलावा मैं जिहड़े साडे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने मीनाक्षी लेखी जी उन्हां नूं मिल के अद्धा पौणा घंटा उन्हां नाल गलबात की परसों कल जिहड़े आर के रंजन सिंह ने साडे मिनिस्टर ऑफ स्टेट उन्हां नाल गलबात की सारी गल उन्हां नूं समझाई कि साडे बच्चे जिहड़े कोई क्रिमिनल नहीं गे ये बच्चे कोई क्रिमिनल इन्हां दी हिस्टरी नहीं गी ये लोग अपने उज्जवल भविख वास्ते अपना जिहड़ा फ्यूचर है उन्हूं सही करन वास्ते एक आस उम्मीद दे नाल ही गए सी। गरीब परिवारां दे बच्चे ने 2-2, 3-3 किले इन्हां दी जमीन है और घट पढ़े लिखे ने इन्हां दा काम है कि सिर्फ बाहर जाके किसी तरह अमेरिका पहुँच के मैं उत्थे मेरा भविख जिहड़ा है उत्थे क्योंकि सैल मिल जाती है नागरिकता मिल जाती है इन्हां नूं रेजीडेंसी ते ये उत्थे तक पहुँचना चाहुंदे सी इन्हां दी कोई मंशा नहीं गी। सो इस करके सरकार नूं मदद करनी चाहीदी है ये किसी भी माड़े काम च इत्थे इनवॉल्व नहीं है। सो इस करके मैं अंबैसी नूं भी जिहड़ी जिहड़ी साडी उत्थे इंडोनेशिया अंबैसी उत्थे साडे रंजन जी जिहड़े रंजन सिंह जिहड़े मिनिस्टर ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट उन्होंने गलबात भी की उन्होंने कहा कि जिहड़ी भी बनदी सहायता है इन्हां नूं दित्ती जावे और जिहड़ी इंडोनेशिया अंबैसी है मैं उहदे नाल भी गलबात कर रहा कि किसी तरीके नाल उन्हां नाल बह के उन्हां नूं भी गल समझाई जावे भी असली मसला की है क्योंकि हुण उत्थे कानूनी लड़ाई सानूं लड़नी पैणी है। उत्थे इदां नहीं गा कि उह वापस आ जाणगे कि हुण इस वेले उह जेल च ने जो साडे ध्यान च आया कि उन्होंने कबूल भी कर लिया कि हाँ गुनाह साडे तों होया। सो इहो जिहे हालात दे विच असीं उन्हां नूं लीगल सपोर्ट जिहड़ी है उह प्रोवाइड करावांगे उहदे वास्ते मैं कोशिश अपनी जिहड़ी है उह कर रहा। मेरी विदेश मंत्रालय ने मैनूं विश्वास दवाया और मैं अज जां सवेरे इंडोनेशिया अंबैसी दे विच गल करूंगा और आस करदे हां कि असीं उन्हां नूं इत्थे वापस लियाउण दी कोशिश जिहड़ी कर रहे हां इह च सफल जरूर होवांगे। हाँ देखो पंजाब दे विच बहुत वड्डा रुझान है बाहर जाण दा और लोग आप पैसे दे के बाहर जाते हैं जिहड़े टैक्निकली एजुकेशन जिन्हां को हैगी है वह तो स्किल वर्क च किसी भी कंट्री चले जाते हैं उन्होंने उत्थे रेजीडेंसी भी मिल जाती है पर जिहड़े डिवेलप कंट्री जाना चाहते हैं उत्थे लेबर क्लास नूं जां जिहड़े बंदे घट पढ़े लिखे ने नहीं पहुँच सकते वह सिर्फ 2 नंबर राही बड टप के जाते हैं जिदा मैक्सीको राही चले जाते हैं जां होर भी कई तरीके ने। सो ये साडे लोगों की ज्यादा रुझान उधर जाता है। सो सरकार को सख्त कानून भी लैके आना चाहिए भी जिहड़े दे 2-2, 4-4 परचे ने एजेंटी दे के होए उन्होंने एक अद्धे परचे से माफी होती जो 2-3 आ एक अद्धे परचे तो बच सकते हैं क्योंकि उन्होंने को पैसा होंगे आ चंगे वकील खड़े करते हैं जिन्हें जिन्हें पैसे गए होंगे बेचारे होंगे ही गरीब ने वकील भी नहीं चंगा खड़ा कर सकते बच जाते हैं जिन्हें भी यहोजे जुर्मा के परचे ने उन्होंने दोबारा जमानत नहीं मिलनी चाहिए सख्त कानून लैके आने का पंजाब सरकार ने कोशिश की है पिछे जे मैं कहूंगा कि होर चंगी तरह मतलब जी कोक करके जो सनी नाद एजेंट जो ये मेन इनवॉल्व है वो देखो तो 10-12 परचे अगे ने वह देखो फिर बाहर तुरै फिर ये सरकार यहोजा कानून होना चाहिए भी जे परचे हो गए ने 10-12 हो गए ने वो सैटिंग के नाल ही बाहर आते हैं परचिया चो उदा नहीं आ सकते। सो उन्होंने सख्त कार्रवाई सरकार करे तो जे साडे बच्चे ने इतों प्रवास ना कर इतों बाहर ना जा कैंप ला कोई ना कोई सिक्ख्या देन जां रुजगार जिहड़ा इत्थे हैगा आ कम करन दी आदत किवें उन्हां नूं पै सकदी आ इहदे वल सानूं ज्यादा ध्यान देण दी लोड़ है। क्या केंद्रीय मंत्री जो विदेश मंत्री है उससे मुलाकात करने की कोशिश की आपने? जिहड़े विदेश मंत्री आ उन्हां नाल ते मेल ते तुहानूं दस रहे कि उन्हां दे मेल दा भी जवाब नहीं दिंदे मैडम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने एक्सटरनल अफेयर दे आर के रंजन सिंह जी और मीनाक्षी लेखी जी मैं उन्हां दोवां नाल मुलाकात की आप खुद मिल के और उन्होंने दोवों इस तरह स्थिति को जाणू कराया और दोवें इस गल की चिंता करते कि अभी बिल्कुल मदद करांगे और जिन्नी मदद जी इंडियन अंबैसी उत्थे कर सकती है वह वध तो वध इन्हां दी मदद उत्थे करेगी। परिवार से मेरी मेरी खुद ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है मैं तो आप होके आया गगोमाल होके आ गया सी ते मोदे वाले शायद मिल के गए ने मेरे ऑफिस क्योंकि मैं ते जदों मैनूं पता लगा मैं उस वेले संपर्क करके दिल्ली ते दिल्ली आ गया क्योंकि इत्थे ज्यादा जरूरत इत्थे सी मैनूं पता ही साडा कैबिनेट वजीर है जयशंकर वह तो किसी का जवाब नहीं दिंदा उहनूं तो इस गल का क्योंकि वह
ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਬੈਸੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਸ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ 100% ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।